जिस संत ने समाज को इतना दिया, देश को इतना दिया, सब कुछ दिया, मैं हृदय से मैं आपको सही कहूंगा, कहीं कहीं कथा गाते हैं भगवान के चरणों में तो मन करता ही है, लेकिन मैं कोई सामने से नहीं, पूज्य स्वामी जी रामदेव जी से, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी से, मैंने इनको इनके बारे में भी कहा कि इन्होंने अपना जीवन, अभी मैं आचार्य जी से कह रहा था कुछ भी नहीं, इतना रात दिन श्रम करते हो किस लिए, किसके लिए कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, तो पूज्य स्वामी जी किस लिए कर रहे हैं, आप सोचिए इन्होंने कितना प्रयास किया तब ये अथक इतना सुंदर ये घाट बना, ये परमार्थ का इतना सुंदर व्यू जो दृश्य हम लोग नित्य देखते हैं, आनंदित होते हैं, तो ये पूज्य स्वामी जी का ये संकल्प और उनके किए हुए अथक प्रयास का ही परिणाम है जो इन्होंने अपना जीवन हम सबके लिए दिया। तो मैं आपके अवतरण दिवस पे ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि बहुत से सभी हमारे अतिथि आए हुए हैं, क्योंकि मैं भी स्वामी जी के साथ में हूँ तो हमारे सब अतिथि हैं, इसलिए सबका मैं यथा योग्य सम्मान करते हुए पूज्य स्वामी जी के, बड़े महाराज जी के चरणों में और सभी संतों के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए एक बार भगवान से हम सभी हाथ उठा के परमात्मा से प्रार्थना पुनः करें, संकल्प करें कि भगवान आपको दीर्घ आयु दें और आप ऐसे ही समाज और संसार के ये हमारे देश के ऐसे कार्यों को निरंतर पर्यावरण और गंगा नदियों के स्वच्छ के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहें, और हम तो ये भी करेंगे, आप तो करें, लेकिन हम सबको भी प्रेरित करें कि थोड़ा थोड़ा हम भी करते रहें।